स्वागत है आप सबका भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच के अंदर। इस मैच को दोस्तों आप सबको बेसब्री से इंतजार था, मैच आ चुका है। हाई क्लास हाई वोल्टेज दोस्तों मैच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो सबसे बेहतरीन टीम्स एशिया की कम्पीट करेंगी। एक तरफ होंगे यहाँ पे कौन, कप्तान साहब रोहित शर्मा, दूसरी तरफ होंगे बाबर आजम। एक तरफ होंगे यहाँ पे मोहम्मद रिजवान, एक तरफ होंगे यहाँ पे विराट कोहली द किंग कोहली, एक तरफ दोस्तों यहाँ पे स्पिन किंग होंगे शादाब खान, दूसरी तरफ होंगे यहाँ पे युजवेंद्र चहल। एक तरफ दोस्तों पेस अटैक को लीड करेंगे कौन, हरीश श्रॉफ, दूसरी तरफ होंगे भुवनेश्वर कुमार। एक तरफ दोस्तों क्लास एलिगेंस रहेगी केएल राहुल के पास, एक तरफ अटैकिंग बैटर है फखर जमान। ये दोस्तों हाई क्लास प्लेयर्स के बीच में बैटल है, शानदार जानदार दोस्तों शाम रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैच है दोस्तों भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में, जो खेला जाएगा कहाँ पे, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। मैच टाइमिंग शाम को 7:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 27 अगस्त को कल के दिन श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में एशिया कप का पहला मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है ये यूज्ड पिच रहेगी। मैंने दोस्तों कमेंटेटर से सुना था कि जिस पिच के ऊपर श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था कल के दिन, उसी पिच के ऊपर दोस्तों मैच खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, चीज़ नोट करनी है, यूज्ड पिच यहाँ पे रहने वाली है। मेरे पास दोस्तों कुछ फोटोज है पिच वगैरह की, बाउंड्री डायमेंशन कैसा है, स्टेडियम दोस्तों कैसा दिखता है। तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पे पिच को देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे पिच दिखने वाली है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। यहाँ पे दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो सबसे पहले यहाँ पे गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इसका रीज़न क्या है, इस पिच के ऊपर दोस्तों ग्रास मौजूद थी। अगर आपने पिछला मैच देखा था, यहाँ पे फैजुल फारूक ने जिस तरह से गेंदबाजी करी थी, यहाँ पे बॉल स्विंग हो रही थी। तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि यहाँ पे नई गेंद से पावर प्ले के अंदर उसको फायदा उठा ले। तो ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो टीम दोस्तों पे पावर प्ले अच्छा से खेलेगी उस टीम को दोस्तों पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो आप पिच कहाँ पे देख सकते हो, ऐसी दोस्तों पिच दिखती है। ये अपने आकाश चोपड़ा है, इन्होंने दोस्तों पिच के बारे में बताया था किस तरह से पिच यहाँ पे बिहेव करेगी। और इन्होंने कहा था कि पिच दोस्तों यूज्ड रहेगी, जो भारत पाकिस्तान का मैच होगा ना वो दोस्तों यूज्ड पिच के ऊपर खेला जाएगा। ठीक है, तो आप पिच को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ये लास्ट ईयर पिच की फोटो है जब यहाँ पे फाइनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आप दोस्तों यहाँ पे इस पिच को भी देख सकते हो, तो यूज्ड पिच हो गई थी इसलिए इस पिच के ऊपर बिल्कुल ग्रास नहीं है। ये लेटेस्ट फोटो है, ये दोस्तों जब यहाँ पे श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था तब की दोस्तों पिच की फोटो है। ठीक है, बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं, तो सामने की बाउंड्री यहाँ पे 79 मीटर्स होती है, बड़ी बाउंड्रीज है। और जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना दोस्तों थोड़ी सी छोटी है, 67 मीटर्स की रहती है स्क्वायर बाउंड्रीज, लेकिन सामने की बाउंड्री यहाँ पे बड़ी रहती है, लगभग 80 मीटर होती है। स्टेडियम का व्यू देखना है दोस्तों, ऐसा स्टेडियम दिखता है, क्लास है दोस्तों स्टेडियम है, शानदार स्टेडियम है, हाई एनर्जी दोस्तों स्टेडियम के अंदर रहती है। चलते हैं फिर से स्टैट्स की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वेन्यू के ऊपर ड्यू फैक्टर भी नहीं आई थी पिछले मैच के अंदर, तो कह सकते हैं ड्यू फैक्टर भी दोस्तों यहाँ पे लगभग ना के बराबर होगा। और इस वेन्यू के ऊपर रन्स पर ओवर कितने बनते हैं, लास्ट ईयर जब यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था ना, तो यहाँ पे प्रति ओवर 7.56 रन बने थे, हर एक ओवर के अंदर 7.5 के आसपास रन गति थी। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर इंडिया कितने मैच खेली है, 4 मैच खेली है, 2 जीती है और दोस्तों 2 हारी है। ये अच्छा मौका है दोस्तों इंडिया को बदला लेने का। इसी वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम मैच हुआ था जहाँ पर दोस्तों इंडिया 10 विकेट हारी थी। ये बढ़िया मौका है भारत के पास यहाँ पे पाकिस्तान को जवाब देने का। अब यहाँ पे पाकिस्तान कितने मैच खेली है, 28 मैच खेली है दोस्तों इनका। आप कह सकते हो होम ग्राउंड ही एक तरीके से, पाकिस्तान में दोस्तों मैचेस होती हैं, आपको पता है बहुत कम कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर जाती है, तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड होता है UAE। ठीक है, तो यहाँ देखो पाकिस्तान ने 28 मैच खेले हैं, 17 मैच जीते हैं और 11 मैच यहाँ पे हारे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टीम बैट फर्स्ट करी है यहाँ पे 21 मैच जीती है, और जो टीम चेस करी है 33 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 54 गेम्स। तो सिंपल फॉर्मूला है, टॉस जीतो यहाँ पे चेस करो, आपको दोस्तों एडवांटेज मिलेगा, आपके सामने एक टारगेट भी रहेगा। और आप पावर प्ले के अंदर ना जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसको दोस्तों यहाँ पे स्विंग देखने को मिलता है पिच के अंदर। औसतन स्कोर 150-180 दोस्तों बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 54 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स ने तेज गेंदबाजों ने यहाँ पे 372 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 212 हैं, दूसरी पारी के अंदर 160 विकेट है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहली पारी के अंदर पेसर्स यहाँ पे आ गए। बात करते हैं किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर के 274 विकेट है और यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर्स के 98 विकेट्स हैं। बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की, तो लास्ट 54 मैचेस के अंदर स्पिनर्स के यहाँ पे 201 विकेट है, पहली पारी के अंदर 102 हैं स्पिनर्स के, दूसरी पारी के अंदर 99 हैं। ऑफ स्पिनर्स का यहाँ पे 51 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 101 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 48 विकेट्स है।
जो लास्ट मैच हुआ था कल के दिन, मैच था एशिया कप का पहला, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में मैच था, 27 अगस्त तारीख थी। उस मैच के अंदर यहाँ पे 4 विकेट किसने निकाला था, पेसर्स ने निकाला था, और 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के नाम थे। अगर आपको याद हो तो 2 विकेट मुजीब का था, 2 विकेट वहाँ पे दोस्तों मोहम्मद नबी का था, 1 विकेट वहाँ पे वीरेंद्र सरंगा का था, ठीक है, और 4 विकेट पेसर के थे, 3 निकाला था फैजल फारूकी ने नई गेंद से, और 1 विकेट दोस्तों वहाँ पे निकाला था नवीन उलख ने। वेदर फोरकास्ट दोस्तों सन्नी है, बारिश की बिल्कुल शाम मतलब चांसेस नहीं है, बढ़िया दोस्तों शाम रहेगी यहाँ पे। ये मैच वहाँ पे कितने बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, अपने से दुबई ना 1.5 घंटा पीछे है, मतलब 1.5 घंटा अपने से पीछे है, अपने यहाँ पे तो 7:30 बज रहा रहेगा शाम का, वहाँ पे दोस्तों बज रहा रहेगा 6, ठीक है, आपको बता रहना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया 36 डिग्री वहाँ पे सेल्सियस रहेगी, तगड़ी धूप रहने वाली है वहाँ पे। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। बात करते हैं दोस्तों बड़ी बड़ी न्यूज़ की, न्यूज़ क्या आ रही है, ये 100वां T20 मैच है विराट कोहली के लिए, भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है ये, किंग कोहली का दोस्तों 100वां T20 मैच है। हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, और पाकिस्तान के अंदर 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, दोनों टीम्स ने आपस में 9 मैच खेले आज तक T20 के अंदर। इंडिया दोस्तों 7 जीती है, पाकिस्तान यहाँ पे 2 जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं, रोहित शर्मा यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं इंडिया की, केएल राहुल इनके साथ आएंगे, ये दोस्तों क्या खेलेंगे, ये आएंगे दोस्तों ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ। विराट कोहली 1 डाउन है, ऋषभ पंत 2 डाउन है, स्काई आएंगे, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक आने चाहिए यहाँ पे, रविंद्र जाडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, हर्षदीप सिंह। अगर टीम को लगता है यहाँ पे दिनेश कार्तिक को नहीं खिलाना है, एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाना है, तो वो लोग जा सकते हैं आवेश खान के साथ। चलते हैं यहाँ पे किसके साथ, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाबर आजम कप्तान साहब इस टीम के, ओपनिंग करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ, ये दोस्तों वही ओपनर्स हैं जो लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल के गए थे। इंडिया दोस्तों इस बार पूरी प्लानिंग करके आएगी दोनों के खिलाफ, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल सासिफ, अली शदाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हसन अली इस मैच में आपको दिख सकते हैं, या फिर मोहम्मद हसनैन आ सकते हैं, इनके बारे में चर्चा चल रही है, हसनैन के बारे में, हरी श्रॉफ आपको 11 में दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों, जब दोनों टीम सामना सामना करती है तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। जब रोहित शर्मा खेलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, T20 के अंदर 8 मैच खेला है, 70 रन है इनके, बैट फर्स्ट है, 30 नाबाद, 4 नाबाद, 2-0, चेस के ऊपर 24-10-0 है। केएल राहुल ने यहाँ पे क्या करा है, अगेंस्ट जो टीम है कौन सी, पाकिस्तान, 1 मैच खेला है, 3 रन करा था बैट फर्स्ट करते हुए। इनका पूरा T20 करियर के अंदर बैट फर्स्ट 39 की औसत है, चेस पे भाई साहब केएल राहुल अलग ही लेवल पे खेलता है, 50 की औसत है। विराट कोहली का अगेंस्ट है पाकिस्तान, भाई क्या परफॉर्मेंस इस बंदे का, ये हमेशा खड़ा रहता है सीना तान के जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है। द किंग कोहली 7 मैचेस खेले हैं, 78 की औसत है, 311 रन है, बैट फर्स्ट 57-27-9, चेस के ऊपर 78 नाबाद, 55 नाबाद, 49-36 नाबाद। ये प्लेयर दोस्तों खास प्लेयर है, देखने लायक दोस्तों प्लेयर है, कम बैक कर रहा है रेस्ट के बाद रिलैक्स लेके। ऋषभ पंत 39 बैट फर्स्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, 1 ही मैच खेला है, ओवरऑल T20 करियर बैट फर्स्ट 30, चेस के ऊपर 35 की औसत है। सूर्य कुमार यादव 11 रन बैट फर्स्ट है, किसके अंदर, हेड टू हेड के अंदर, याद करो आप, आई थिंक 2021 का वर्ल्ड कप में बनाया था उन्होंने, और बैट फर्स्ट 29, चेस के ऊपर 35 की औसत है। हार्दिक पांड्या 3 मैच खेला आज तक अगेंस्ट पाकिस्तान, 11 रन से 4 विकेट हैं, बैट फर्स्ट 11 है, चेस के ऊपर 0 है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 4 विकेट है, और आज तक विकेटलेस नहीं गए, अच्छी चीज़ है। हार्दिक पांड्या कैन बी द गुड कैप्टनशिप फॉर यू। दिनेश कार्तिक 11 रन बैट फर्स्ट है, ये भाई साहब 10-15 साल पहले बनाया था दिनेश कार्तिक ने, 2007 या 2008 की बात है शायद, जितना मुझे याद आता है, दिनेश कार्तिक ने अगेंस्ट पाकिस्तान ये 11 रन बैट फर्स्ट करते हुए। जड्डू का अगेंस्ट पाकिस्तान 5 मैचों में 4 विकेट, 115 रन विद द बैट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट में अच्छे फिगर्स हैं, बॉल सेकंड के अंदर 2 मैच के अंदर सीधा 0 विकेट है। भुवी का 4 मैच के अंदर 5 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैचों में 4 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेटलेस गए। युजवेंद्र चहल लास्ट टाइम दोस्तों खिलाना चाहिए था इनको, ये शायद विकेट्स निकाल सकते थे, मैच में इंडिया टीम को ला सकते थे वर्ल्ड कप के अंदर, पर दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना किस्मत फिर से मौका देती है। चहल दोस्तों आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर, इन्होंने इस साल 2022 के अंदर कितने मैच खेले हैं, 29 मैच खेले हैं, 42 विकेट्स निकाले इन्होंने अभी तक। हर्षदीप सिंह की बात करते हैं, इस साल क्या करा है, 20 मैच खेले हैं, 19 विकेट निकाले हैं, भाई इनके विकेट्स में मत जाना, आप कहोगे क्या करें इसने यार, 20 मैच खेले 19 विकेट निकाले, क्यों टीम में लिया है, जो दोस्तों क्रिकेट को देखते हैं ना दिल से जानते हैं, भाई इसकी जो यॉर्कर्स आती है डेथ और स्किल्स उस बंदे के पास, भाई डेथ और के अंदर आएगा विकेट्स निकाल के देगा, ऐसा गेंदबाज है। देवा गुड्डा कम है क्या बंदा, ये 24 मैच इस साल, 38 की औसत है, 725 रन। अश्विन ने अगेंस्ट पाकिस्तान 5 मैच खेले हैं, 3 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए। आवेश खान का इस साल 26 मैच में 29 विकेट है, 2022 के अंदर T20 के अंदर। हर्षदीप सिंह स्टार्टिंग में डालेंगे, भुवी डालेंगे, हार्दिक पांड्या डालेंगे, डेथ के अंदर भुवी, हर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की,
बाबर आजम ने दोस्तों यहाँ पे 68 नॉट आउट करा है अगेंस्ट इंडिया, एक ही मैच खेला है। बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों बाबर आजम, करेंटली अपन कह सकते हैं ये क्रिकेट को दोस्तों रूल कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान आते हैं, T20 का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। 79 नॉट आउट चेस करते हुए करा था उन्होंने। फखर जमान यहाँ पे एक मैच खेले हैं अगेंस्ट मतलब इंडिया, और इसके अंदर इनका कोई रोल नहीं था, मतलब बैट करने का मौका ही नहीं मिला था। बैट फर्स्ट 25, चेस के ऊपर इनकी 32 क्रॉस है। फखर जमान की इफ्तिकार अहमद आते हैं, पिछले साल दोस्तों शोएब मलिक थे, वो इस बार स्क्वाड के अंदर नहीं है। इफ्तिकार अहमद ने इस साल 16 मैच खेले हैं, 23 की औसत है, 21 रन्स है, हेड टू हेड नहीं खेला। कुजिल शाह ने भी हेड टू हेड नहीं खेला, ये थोड़ा सा दोस्तों यंगस्टर है, 13 मैचेस खेले हैं उन्होंने इस साल, 16 विकेट निकाला है। ये इस तरह के बॉलर हैं जो गोल्डन आर्म बोलते हैं ना, कि इनको बॉलिंग करा लो विकेट निकाल के दे देंगे, ऐसा काम करते हैं। विद द बैट 177 रन्स है, बैट फर्स्ट 23, चेस के ऊपर 34 की औसत है। आएंगे यहाँ पे आसिफ अली, इन्होंने एक मैच खेला हुआ है और इनका कोई रोल नहीं था उसके अंदर। इस साल 13 मैच में 150 रन है, थोड़ा सा नीचे आता है, इंपॉर्टेंट शायद ना रहे फैंटेसी यूजर्स के लिए। शदाब खान का एक विकेट हेड टू हेड के अंदर बॉल फर्स्ट। मोहम्मद नवाज का इस साल 5 मैच में 6 विकेट है, इस साल अच्छे फॉर्म में, नवाज इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है। नसीम शाह इस साल 13 मैचेस में 19 विकेट है, बढ़िया गेंदबाजी करी है नसीम शाह ने। हसन अली की बात करते हैं, हेड टू हेड के अंदर 2 विकेट है, कुछ 44 रन खा गया था, मेरे को अभी भी याद है, लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर 44 रन दिया था, 2 विकेट निकाला था 4 ओवर डाल के। तो देखते हैं कि शायद 11 में जगह ना बने, जितना मेरे को सुनने मारा सोर्सेस से कि मोहम्मद हसनैन यहाँ पे खेल सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही के अंदर 100 खेल के आ रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है दोस्तों भी, हाल ही के अंदर अच्छा खासा खेला हुआ है इन्होंने। एक्सपीरियंस इन द सेंस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इनके पास अभी रिदम है और इनका फॉर्म है। हसन अली का दोस्तों फॉर्म नहीं है, लो एकदम फील कर रहे हैं वो, तो शायद ये बाहर भी हो सकते हैं। साल 10 मैच खेले, 9 विकेट निकाले हैं। हरीश रॉफ का हेडटू हेड के अंदर 1 विकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहेगा। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, स्टार्टिंग ओवर नसीम शाह, नवाज, हसन अली या तो फिर यहाँ पे मोहम्मद हसनैन। डेथ के अंदर हरीश रॉफ है, नसीम शाह, हसन अली या तो मोहम्मद हसनैन। बात करेंगे दोस्तों वेन्यू स्टैट्स की, जब इस मैदान के ऊपर मैच हुआ है, ये मैदान दोस्तों इंडिया का फेवरेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मोस्टली जो भी प्लेयर्स हैं सब आईपीएल खेल चुके हैं। रोहित शर्मा यहाँ पे 12 मैच खेले हैं, 23 की औसत है, 21 रन्स है, बैट फर्स्ट 50, 14, 9, 2, 0, 0। चेस के ऊपर यहाँ पे क्या करा है, सेकंड इनिंग्स के अंदर रोहित शर्मा जब यहाँ पे खेलते हैं तो 68 है, 56 है, 43, 38 1, तो कह सकते हो यहाँ पे चेस करते हुए 6 बार खेला है, उसमें से 4 बार 30 का आंकड़ा इसने पार किया है लगभग। बहुत बढ़िया प्लेयर है रोहित शर्मा चेस पे स्वैनी के ऊपर। बैट फर्स्ट में लो स्कोर्स है। केएल राहुल का दोस्तों ये फेवरेट ग्राउंड कह सकते हो आप, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 16 मैच खेले हैं, भाई साहब 771 रन है, 61 की औसत है, बैट फर्स्ट 132 नाबाद, 63, 46, 27, 18, 3, चेस के ऊपर 98 नॉट आउट, 77, 67, 54 नॉट आउट, 50, 49, 21, 15, 11 है। विराट कोहली आएंगे यहाँ पे, 16 मैच के अंदर 396 रन से 30 की औसत है, बैट फर्स्ट 90 नाबाद, 57, 51, 50, 49, 43, चेस के ऊपर यहाँ पे 43, 23, 25, 4, 2 नॉट आउट, 10 है। भाई गजब प्लेयर है विराट कोहली, बस फॉर्म कंसर्न है, बात वही है यार कि बड़ा इतनी कर दो विराट कोहली की, चले ही ना, फिर आप मुझे कहोगे भाई ऐसा हुआ ये हुआ, तो बेटर आप स्टैट्स खुद देखो, आप खुद डिसाइड करो दोस्तों किसको लेना है नहीं लेना। ऋषभ पंत का 16 मैच के अंदर 36 की औसत है, 397 रन है, इस वेन्यू के ऊपर अच्छा करा है, बैट फर्स्ट 56, 51 नाबाद, 39, 37 नाबाद, 31, 21, 14, 12, 10, चेस के ऊपर 36 है, 35 नाबाद, 15, 3 है। स्काई का यहाँ पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। सूर्य कुमार यादव का 11 मैच में 143 रन है, प्लेयर दोस्तों बहुत खास है लेकिन ये फॉर्म अच्छा है इनके पास। बैट फर्स्ट 51, 11, 8 नाबाद, 0, चेस के ऊपर 25 नाबाद, 19, 12 नाबाद, 8, 6 नाबाद, 3, 0। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फॉर्म में फिलहाल, ये 9 मैचेस खेले हैं, इस सोनी पे 100 रन है। इन पे मत जाओ दोस्तों, इन पे जाओ कि इनका फॉर्म कैसा है अभी, ठीक है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। बैट फर्स्ट 37 नाबाद 23, 11, 8, चेस के ऊपर 15, 3, 3, बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं, यहाँ पे बॉलिंग ही नहीं करी है उन्होंने 2 साल से आईपीएल में, ये तो इसी साल से आईपीएल में बॉलिंग करने लगे हैं। दिनेश कार्तिक का 8 मैच में 131 रन है, और जड्डू के यहाँ पे 18 मैच के अंदर 242 रन है, 18 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट 10 मैचेस में 9 विकेट है, बॉल सेकंड 8 मैच में 9 विकेट है, 9 बार विकेटलेस गए हैं सोनी के ऊपर, विकेटलेस मतलब कि कुछ नहीं करा था 9 मैचेस के अंदर, विकेटलेस गए मतलब एक भी विकेट नहीं निकाला। बुब्बी का यहाँ पे 8 मैचों में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैच में 3 विकेट है, 5 मैच के अंदर यहाँ पे विकेटलेस गए हैं। युजवेंद्र चहल बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, 12 मैचेस के अंदर इस वनडे पे 19 विकेट है, पहली पारी में 6 मैच में 8 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर इनका और कद बढ़ जाता है, 6 मैचों में 11 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। हर्षदीप सिंह 7 मैच में 17 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 14 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 3 विकेट, 1 बार विकेटलेस गए हैं। दीपक हुड्डा सबके स्टैट्स मैंने दिए, आप पढ़ सकते हो चाहे तो। पाकिस्तान की बात करते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पे खेलती रहती है, बबर आजम ने यहाँ पे 31 मैच खेले हैं और 1000 रन से 36 की औसत है, 17 दफ़ा यहाँ पे 30 का आंकड़ा इन्होंने पार किया है,
30 का आंकड़ा पार किया है 31 मैच खेल के। ये दिखाता है यहाँ पे कंसिस्टेंट रहे हैं। रिजवान ने यहाँ पे 24 मैच खेला है, 341 रन है, 23 की औसत है, 5 times 30+ स्कोर करा है। इन पे दोस्तों रिजवान पे जिम थोड़ा सा थ्रेट रहेगा, देखते हैं क्या होता है। फगर जमान 23 matches 22 की औसत है, 464 रन है, 6 times यहाँ पे 30 का आंकड़ा पार किया है, 5 times पहली पारी में गया, दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे अटकते हैं। इफ्तिकार अहमद का 11 matches में 120 रन है, बैट फर्स्ट 26 है, 8 is 0-0-0, चेस के ऊपर 33-19-15-10-9। कुछ दिल सा 3 matches खेले हैं, बैट 2 times करे, 12 रन है, 8 runs चेस पे, 4 runs बैट फर्स्ट। आसिफ अली का 23 matches में 350 रन, 23 की औसत है। शदाब खान का 22 matches के अंदर 27 wickets हैं, 6 times विकेटलेस गए हैं। बॉल फर्स्ट में देखो 10 matches में मात्र 5 wickets है, पूर परफॉर्मेंस है लो, लेकिन बॉल सेकंड देखो 12 matches 22 wickets है सीधे, भाई साहब क्या स्टार्ट है दूसरी पारी के अंदर। नवाज का 26 matches में 29 wickets है, बॉल फर्स्ट 16 matches में 19 wickets है, बॉल सेकंड 8 matches में 10 wickets है, 8 times विकेटलेस गए हैं। नसीम साहब पे एक भी मैच नहीं खेले। हसन अली का 24 matches में 28 wickets है, बॉल फर्स्ट 15 matches में 19 wickets है, बॉल सेकंड 9 matches में 9 wickets है, 7 matches के अंदर विकेटलेस गए हैं। हरीश रॉफ का यहाँ पे 8 matches में 10 wickets है, बॉल फर्स्ट 3 matches में 4, बॉल सेकंड 5 matches में 6 wickets है, 2 times विकेटलेस गए हैं। मोहम्मद हसनैन 1 wicket बॉल सेकंड, 1 wicket बॉल फर्स्ट है। मैचअप्स की बात करते हैं, कौन किसके सामने कितना स्ट्रगल करता है, ये इंपॉर्टेंट है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा का मैचअप देखो यहाँ पे शदाब खान के सामने, 71 गेंद 89 रन, 1 बार आउट हुए हैं। अच्छी बात क्या है दोस्तों, एक हल्का सा पॉजिटिव भी है ऐसे दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर के सामने अटकते हैं। आपको देख लो अभी टॉपली ने आउट किया था थोड़े दिन पहले, फिर दोस्तों एशिया कप से पहले जो अपना नॉर्मल हुआ था ना दोस्तों इंग्लैंड वर्सेज इंडिया, तो उसने टोपली ने आउट किया, उससे पहले दोस्तों शाहीन शफरीदी ने परेशान किया था, फिर याद करो मोहम्मद आमिर ने परेशान किया था, स्टार्क भी परेशान करते हैं। तो ये दोस्तों आमतौर पर जो लेफ्ट आर्म पेसर्स है ना वो थोड़ा सा इंडिया को परेशान करते हैं। मेरी दोस्तों क्या राय है कि इंडिया को मोहसिन खान को अपने स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए हमेशा। एक ऐसा गेंदबाज है जो बहुत बढ़िया गेंदबाज है मोहसिन खान, और वो मेरे हिसाब से नेट बॉलर हमेशा रहना चाहिए, तो उसको फेस करके इंडिया अपने गेम के अंदर वहाँ पर सुधार कर सकती है। पर यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि शाहीन शफरीदी नहीं है, तो ये एडवांटेज है दोस्तों, मानो ना मानो। हसन अली की बात करते हैं, 87 balls 95 runs, 1 times आउट हुए यहाँ पे। रोहित शर्मा हसन अली के सामने, केएल राहुल भाई किसी के सामने नहीं अटकते, विराट कोहली किसी के सामने नहीं अटकते, ऋषभ पंत वर्सेस शदाब खान 12 गेंद 12 रन, 1 बार आउट है। स्काई का स्ट्रगल स्काई के सामने, मतलब स्काई का स्ट्रगल हसन अली के सामने, 2 balls 0 runs 1 बार आउट में। हार्दिक पांड्या वर्सेज हरीश रॉफ 3 balls 2 runs 1 बार आउट में। दिनेश कार्तिक का मैचअप नहीं, गुब्बर आजम का मैचअप नहीं, रिजवान का मैचअप नहीं है। फखर जमान वर्सेज बुव्वी 39 balls 13 runs 1 बार आउट हुए। हार्दिक पांड्या 31 गेंद 31 रन देके 1 बार आउट किया फखर जमान को। आसिफ अली वर्सेज युजवेंद्र चहल 3 balls 4 runs 1 बार आउट किया। मेरे को लग रहा है दोस्तों आसिफ अली को बैट करने का मौका मिलता है ना तो भी नहीं चलेंगे, रीज़न क्या है, नीचे भाई साहब युजवेंद्र चहल जैसा गेंदबाज है जो अपने जाल में सबको फंसाता है। कॉमन कैप्टन बाबर आजम, विराट कोहली बड़ी लीग में बना पे, विराट कोहली, बाबर आजम, रिजवान, हार्दिक पांड्या, अलग जाना है, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शदाब खान को रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एक्सचेंज 22 पिक्स के, आप कहते हो दोस्तों पिक्स नहीं बताता आपको मैं, तो आपके लिए मैं पिक्स लेके हाजिर हूँ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्यों बता आपको, पिक्स के अंदर मैं बताऊँ किस किस को लिया हूँ किस किस को नहीं लिया हूँ, भी आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। इसके अंदर क्या रहता है, आपको बाई सेल करना पड़ता है प्लेयर को, अगर आपको एक प्लेयर लगता है चलेगा उसको आपको बाई करना, अगर आपको प्लेयर लगता है नहीं चलेगा आपको उसको सेल करना है, सीधी बात है। आप देखो यहाँ पे मेरे को दोस्तों लगा यहाँ पे विराट कोहली चलेंगे, ठीक है, उनकी रेट क्या है 41 रेट है। इनको मैंने कितनी बार लिया, 3 times लिया, मैं देखो लिखा हुआ ना बाउट 3, मैंने 3 times लिया, मैं यहाँ से अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, 3 times मैंने इनको लिया हुआ है विराट कोहली को, उनकी रेट क्या 41। अगर विराट कोहली यहाँ पे 41 से ज़्यादा पॉइंट देके जाते हैं ना तो अपने को इतना का मुनाफा होगा, समझो विराट कोहली ने यहाँ पे 81 points दे दिया, अपने को कितना मुनाफा हो जाएगा, आप 81 में से हटा दो 41 जो उसकी रेट है, 81 points दे दिया ना विराट कोहली ने समझो, तो इसकी रेट क्या थी 41, 81 में से 41 घटाओ 40 आता है, ठीक है, तो आपको इस पे 40 का मुनाफा हो जाएगा। आपने कितनी बार खरीदा, 3 times, तो 40 × 3 कर लो आपको 120 का मुनाफा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली पे। तो इसमें क्या रहता है, आपको 11 प्लेयर नहीं लेने पड़ते, इसमें सिर्फ आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को 11 प्लेयर लेना है, मैं किस तरह से लूँगा, किसको कैप्टन बनाऊंगा, किसको वाइस कैप्टन बनाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको 1 player लेना तो आप 1 player लो। मैंने यहाँ पे 4-5 players लिए हुए हैं, मेरे पास बाई के अंदर रिजवान है, बाबर है, विराट कोहली, केएल राहुल है, सेल के अंदर मेरे पास स्काई है और यहाँ पे दिनेश कार्तिक है, ठीक है, और युजवेंद्र चहल भी मेरे बाई के अंदर है। रेफर कोड P11 है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ दोस्तों, आप जाके एक बार देखिए, बहुत बढ़िया आपको लगेगा वो माहौल पूरा। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ड्रीम 11 टीम की, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों कप्तान है बाबर आजम, उप कप्तान दोस्तों यहाँ पे कौन है, भाई साहब विराट कोहली हैं,
चाहे तो आप कप्तान कर सकते हो उस बंदे को, ऐसा टाइप का प्लेयर है। पूरी टीम देखने तो आप ये देख सकते हो, हार्दिक पंड्या, शादाब खान, बुब्बी, जिंदर चहल, पूरी टीम है ठीक है। हसन अली को ले रखा है, माहौल देखते हैं दोस्तों बाहर होंगे। अगर यहाँ पे इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो आपको ये ध्यान देना है कि पाकिस्तान के जो डेथ ओवर के गेंदबाज वो लेना है। अगर इंडिया दोस्तों यहाँ पे पहले गेंदबाजी करती है तो इंडिया के डेथ ओवर बॉलर लेना है, जैसे हरदीप सिंह हो गए, भुवी हो गए वहाँ पे। तब देखो यहाँ पे बड़ी लीग में करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। रिजवान दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहे तो ले सकते हो। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा करते हैं दोस्तों इनको, वैसे भी जो इस बार मेरे को पैसा टैक लग रहा है पाकिस्तान का थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है। हसन अली को शायद इंग्लैंड में जगह ना मिले जितना मुझे लग रहा है, या फिर दोस्तों शहीन अफरीदी नहीं इनके पास, तो पैसा टैक थोड़ा सा कमजोरी है इनका। बबर अजम दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अच्छी चीज़ बताऊँ क्या इंडिया के लिए, इंडिया के लिए अच्छी चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने इस साल ना 2022 के अंदर, आप जी आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा, T20 में सिर्फ एक मैच खेला है। आप सही सुन रहे हो, T20 में पाकिस्तान ने 2022 के अंदर एक मैच खेला है, इंडिया ने कुछ 25 से 27 मैच खेला है T20 के। जी ये दोस्तों एक फैक्ट है, तो इंडिया के पास अच्छा एक्सपीरियंस है। इस साल दोस्तों फेवरेट रहेगी, रोहित शर्मा है, और यहाँ पे स्काई को आप ले सकते हो चाहे तो। फखर जमान आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दोस्तों विराट कोहली इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, KL इंपॉर्टेंट लगेंगे सिलेक्शन परसेंटेज के, मैं दोनों भाई अव्वल दर्जे के प्लेयर्स हैं। चलते हैं पे हार्दिक पंड्या इंपॉर्टेंट, शादाब इंपॉर्टेंट है, जड्डू आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पे नवाज एक अच्छा प्लेयर हो सकता है आपके ग्रैंड लीग के अंदर, स्किल्स है बंदे के पास, अच्छा खेलता है। हिज्जी इंपॉर्टेंट है, हरीश इंपॉर्टेंट है, भुवी दोस्तों अच्छे गेंदबाज हैं, बॉल फर्स्ट में तो बॉल स्विंग करा सकते हैं, जैसे फजल फारूकी ने कराई थी, स्विंग मास्टर अपने भुवी द स्विंग किंग। आएंगे दोस्तों यहाँ पे नसीम शाह, बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे हर्षदीप सिंह बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूँगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर जो आपको मैंने स्टैट्स दी ना सर, ये सब अगर आपको स्टैट्स चाहिए तो क्या करना, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना, डाउनलोड करना स्टैट्स गुरुजी ऐप, ठीक, अपना ऐप है दोस्तों, ये स्टैट्स में सारे आपको वहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ हमेशा, तो आप डेडलाइन के टाइप पे जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, आपको सीधा चिट टाइप मिल जाएगा लिखा हुआ एकदम। तो देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, मिलते अगली दफा, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट योर टीम और लव द गेम ऑफ क्रिकेट दोस्तों, चाहे कोई भी जीते हमेशा सपोर्ट करें क्रिकेट को, ये दोस्तों खेल है, इंजॉय करें, इसको अलग लेवल पर ना ले जाएं। लव यू गाइस, सी यू सून, जय हिंद।